नमस्कार, मैं हूँ यशिता मेहरा और आप देख रहे हैं चैनल साहित्य और सिनेमा। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने हीरोपंती फिल्म से बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा था। दिग्गज एक्टर जैकी श्रॉफ के बेटे का शुरुआत में नाम को लेकर काफी मजाक उड़ाया गया था, लेकिन आज इन्होंने अपनी मेहनत के दम पे स्टार्स में अपनी जगह मजबूत कर ली है। एक बार फिर से टाइगर श्रॉफ हीरोपंती 2 अपने फैंस के लिए लेकर आए हैं और आज फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में एक्टर तारा सुतारिया के साथ रोमांस करते दिख रहे हैं तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी विलेन के रूप में नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अपने लुक और अंदाज से नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने लोगों का दिल जीत लिया है। तो करेंगे सभी पहलू पर बात, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी सभी अपडेट्स आपको मिलती रहे। ये एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर है जो एक्शन से भरपूर है। एंटरटेनमेंट पर ध्यान देने के साथ फिल्म निसंदेह 2022 की बेस्ट हिंदी एक्शन फिल्म है। कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान द्वारा डायरेक्ट की गई इस फिल्म में वो सब कुछ है जो किसी मसाला फिल्म को सुपरहिट बनाने के लिए ज़रूरी है। इसने रिलीज से पहले ही अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है, लेकिन सवाल ये है कि क्या 2 साल बाद बड़े पर्दे पर लौटने पर टाइगर श्रॉफ की नई फिल्म को दर्शकों का उतना ही प्यार मिल रहा है जितना कि उनकी बाकी फिल्मों को मिला है। फिलहाल ट्विटर पर #हीरोपंती2 से प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी आ गई है। फिल्म को लेकर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ज़्यादातर लोगों का कहना है कि यह फिल्म फुल पैसा वसूल है, तो कुछ को टाइगर की इस फिल्म ने निराश भी किया है। फिल्म का हीरो यानी बबलू रणावत यानी टाइगर श्रॉफ एक एम्बिशियस हैकर है और वो इल्लीगली पैसा बनाता है। असल में वो रिजल्ट की बिल्कुल चिंता नहीं करता और लोगों को ऑनलाइन अपने जाल में फंसाकर उनसे ठगी करता है। बबलू को मोहब्बत हो जाती है इनाया यानी तारा सुतारिया से, लेकिन इनाया इंटरनेशनल डिजिटल जालसाज लैला नवाजुद्दीन की बहन है। यही वो बात है जहाँ से फिल्म की स्टोरी नई रफ्तार लेती है। लैला कोई आम इंसान नहीं बल्कि बेहद शातिर ठग है। लोगों को लूटने के लिए वो पल्स नाम का ऐप बनाता है जिसका इस्तेमाल करने वाले लोगों के बैंक डिटेल्स वो बड़ी आसानी से हासिल कर लेता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी ठगी को अकेले अंजाम नहीं दे सकता, बल्कि इसे करने के लिए उसे एक और शख्स की मदद लेनी होगी और वो शख्स और कोई नहीं बबलू होता है। लैला को सबसे बड़ी चोरी में मदद करने के लिए राजी होने के साथ बबलू समझ जाता है कि कोई भी चीज़ मुफ्त में नहीं मिलती, यहाँ तक कि उसका प्यार इनाया भी नहीं, जिसके लिए उसे ये करना पड़ता है। बबलू को लैला के साथ फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के दिन यानी 31 मार्च को चोरी को अंजाम देना है जब सभी के बैंक अकाउंट्स पैसों से भरे रहते हैं। लेकिन यहाँ खेल बदल जाता है क्योंकि बबलू का ज़मीर तब जागता है जब उसकी मुलाकात अमृता सिंह जो इस ठगी का शिकार होती है। लैला को इस बात का पता चलते ही वो उसे मारने की कोशिश करने लगता है, जिसके बाद बबलू सभी को जेल में भेजने की कसम खाता है। अब आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि क्या लैला बबलू को मार देगा? क्या बबलू हैकिंग से फैले इस साम्राज्य को खत्म कर पाएगा? क्या बबलू और इनाया एक हो पाएंगे? क्या इनाया के सामने आ पाएगी उसके भाई की सच्चाई? और क्या बबलू लोगों से चुराए गए पैसे सभी को वापस कर पाएगा? तो इन सभी दिलचस्प सवालों के जवाब के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये फिल्म। आपको बता दें कि अगर आपने इस फिल्म का ट्रेलर देखा है तो यकीन मानिए इस फिल्म में आपको एक्शन, ड्रामा और एंटरटेनमेंट देखने को जरूर मिलेगा। एक्टिंग के मामले में फिल्म की बेहद शानदार कास्ट ने किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी है। इसमें हमेशा की तरह टाइगर अपने डांस और एक्शन से सभी को अपना दीवाना बनाते नजर आ रहे हैं। वहीं नवाज ने भी हर बार की तरह इस बार भी अपने किरदार के साथ न्याय किया है। उनका फैन फॉलोइंग लैला के रूप में उन्हें देखकर सच में हैप्पी फील करेगा। तारा भी अपने किरदार में जच रही है, हालांकि उनका काम बेहतर हो सकता था। फिल्म में अमृता सिंह ने अपनी एक्टिंग से सभी को इम्प्रेस किया है। अगर बात डायरेक्शन की करें तो कोरियोग्राफर से फिल्म मेकर बने अहमद खान फिल्म को एक्शन से लेकर डांस के मामले में एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर गए हैं। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कमाल की है, जिसे बड़े लेवल पर विदेशों में शूट किया गया है। साथ ही फिल्म का म्यूज़िक काफ़ी अच्छा है। AR रहमान ने हीरोपंती 2 का म्यूज़िक कंपोज किया है। ओवरऑल फिल्म थिएटर में देखने लायक है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।